नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल अभिव्यक्ति में। मैं डॉक्टर हितु मिश्रा आज की इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ राग यमन पर आधारित 80s के फिल्मी नगमों को। जी हाँ, इससे पहले मैंने 50s के, उसके बाद 60s के, 70s के नगमों को दिया था और इसी तरह से आगे भी 90s और उसके बाद का सफ़र यूँ ही चलता रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल अभिव्यक्ति के साथ। और आज जो हमारे साथ, जो भी हमारे नए व्यूअर्स जुड़े हैं, तो उनसे ये कहना चाहूँगी कि हमारी ये पूरी रागों की सीरीज़ चल रही है और इसमें इस समय राग यमन चल रहा है। तो राग यमन के स्वरूप को समझना है, राग यमन को समझना है, तो उसका परिचय, बंदिश, उसके अलापतान, जो भी पिछले गीतों के बारे में चर्चा की है, वो सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आइए अपना ये सुहाना सफ़र शुरू करते हैं, 80s के फिल्मी गीतों का सफ़र। और हाँ, एक और बात बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं 50s के सफ़र से आई हूँ, मैंने एनालाइज किया कि 50s में जो बात थी, जो ओरिजिनल फ्रेजेस हमें यमन राग के मिल रहे थे, वो आते आते धीरे धीरे कम हुए हैं और 80s में हमें बहुत कम ही गीत मिल पाए हैं, तो जिसमें सिर्फ एक असर है, बहुत ज़्यादा ओरिजिनल फ्रेजेस उसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आने वाले जैसे 90s, उसके बाद और भी ऐसे गीत हैं जो जिसमें हमें ओरिजिनल फ्रेजेस यानी जो राग का चलन है वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि 80s में कहीं ना कहीं कुछ शास्त्रीय संगीत के ऊपर बॉलीवुड संगीत का प्रभाव ज़्यादा आया था, इसलिए रागों पर आधारित गीत कम मिले हैं। चलिए, तो मैंने जो एनालाइज किया वो आपको बताया, तो आइए शुरू करते हैं अपना ये 80s का सफ़र। तो आइए अपने पहले गीत की ओर चलते हैं। तो अब तक पहचान लिया होगा आपने ये कौन सा गीत है, क्योंकि सभी ने इसको गुनगुनाया होगा और आज तक गुनगुनाया जा रहा है। जी हाँ, 1981 का ये गीत है फिल्म प्रेम गीत से, और अपनी सुंदर मधुर आवाज में गाया है जगजीत सिंह साहब ने। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे ये प्रीत अमर कर दो। अगर हम स्वरों को देखें, गरे गरे सा सारे सानी, नी जो कि न्यास का स्वर है, नी सरे रे सा गा रे सा, तो देखा आपने, गा भी जो न्यास का स्वर है, वादी भी है, गा और नी कैसे इस पर ठहरा जा रहा है, तो राग का असर दिख रहा है। भले ही इसमें बहुत ओरिजिनल फ्रेजेस हमें नहीं मिले हैं जैसे 50s में मिले थे और 60s में मिले थे, नी सा रे, जबकि नी रे ऐसे जाना होता है, लेकिन क्योंकि शास्त्रीय संगीत में शास्त्र के नियमों को निभाना पड़ता है, अनिवार्य है वो, लेकिन सुगम संगीत में छूट है, पूरी छूट है कंपोज़र को कि जो गीत है उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसमें फेरबदल कर सकता है। गरे गरे सा सारे सानी, नी सरे रे सा गा रे सा, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत, नी सा सा रे रे सा गा रे सा। यंत्र की तरफ चलते हैं। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंद,
यहाँ पर कैसे तीव्र मध्यम चमक रहा है। ग म म प प ग म म प प प पंचम पे भी न्यास है तो ग म म प म ध प म ग जैसे कि कभी कभी पंचम को स्किप करके और सीधे मध्यम से धैवत की ओर जाते हैं तो वो फ्रेज दिख रहा है म ध प म ग ये हमें मिल रहा है यमन का फिर म ध प म ग जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। आइए अपने अगले गीत की ओर चलते हैं। फिल्म है राम लखन 1989 का ये गीत है, लता जी का गाया है, बड़ा ही खूबसूरत सा ये गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का इसमें संगीत है और आनंद बख्शी जी के ये बोल हैं। तो आइए देखें तीव्र मध्यम की चमक इसमें दिख रही है। बड़ा दुख दीना ओ राम जी ग म म प म ध प म ग बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना सुध बुध बेसुराई मेरी नींद उड़ाई मेरा मुश्किल कर दिया बड़ा दुख दीना पापा धानी नीदा पादा धापा इस तरह से अलंकृत होते हुए भी आ रहा है। सुध बुध बेसुराई मेरी नींद उड़ाई मेरा मुश्किल कर दिया जीना बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना ग म म प म ध प म ग बड़ा दुख दीना प ग रे रे सा सा। हालांकि बहुत ओरिजिनल फ्रेजेस पाग पारे का जो आता है वो नहीं दिख रहा है, ऐसे ना होकर बड़ा दुख दीना पगरे रे सा ऐसे लिया है ना। तो कॉम्पोजिशन को खूबसूरत बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि शास्त्रीय संगीत वैसे ही लिया जाए, उसमें पूरी छूट होती है कि कुछ फेर बदल कर दे। तो इसी तरह से खूबसूरत की गई है असर राग्यमन का लेके तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना ओ राम जी। आइए अपने अगले गीत की ओर चलते हैं और फिल्म है मासूम से 1983 का ये गीत है, संगीत निर्देशन है आरडी वर्मन जी का और जो से मीठी आवाज़ में गाया है वो है भूपेंद्र सिंह जी और सुरेश वाडेकर जी। तो बड़ा ही खूबसूरत और चंचलता से ओतप्रोत ये गीत है, तो आइए आनंद लें। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राग यमन एक ऐसा राग है जिसमें हर किसी भाव का गीत मिलता है, चाहे शांत भाव हो, भक्ति रस हो, श्रृंगार रस हो या फिर विरह हो। तो ये है एकदम चंचलता से ओतप्रोत, आइए आनंद लें। हुजूर इस कदर भी ना
इतरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। गमगा जी नीरे रे गा पागरे गरे गरे नीरे सा। तो आइए अपने अगले और आखिरी गीत की ओर चलते हैं। 1989 का ये गीत है, फिल्म है दाता, स्वर दिया है अलका याग्निक जी ने और किशोर दाने। कल्याण जी आनंद जी का इसमें संगीत निर्देशन है, बड़ा ही खूबसूरत कंपोजिशन, बहुत ही सुंदर ये गीत, मन को व्याकुल कर देने वाला ये गीत है। जो भी हमारी बिटिया हैं, माँ हैं, बहन हैं, वो अगर इस गीत को सुने और उनकी आंखें नम ना हों तो ऐसा आज तक नहीं हुआ है। तो मैं भी बड़ी व्याकुलता से इसको गाऊंगी। तो आइए इसमें कहाँ पर यमन के जो फ्रेजेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं या असर देखने को मिल रहा है, तो वो जाने। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बाबुल का ये घर बहना, स्वर देखते हैं, सानिये रे 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 कुछ दिन का सानी रे 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 गार सा। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। मैया तेरे आंचल की हूँ कैसी गुड़िया रे, मैया तेरे आंचल की मैं हूँ कैसी गुड़िया रे। तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर क्यों बेगाना। बाबुल का ये घर बहना, मैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने। मैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है, बाबुल का ये घर गो तेरे आंगन की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे। भैया तेरे आंगन की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे।
रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी, याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी। फिर भी तेरी डोली को कांधा तो लगाना बाबुल का ये घर गोरे, कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। माफ कीजिएगा, बड़ा ही भावुक। तो इसमें भी कैसे तीव्र मध्यम का प्रयोग हुआ है और किस तरह से यमन का असर है वो तो आपने देखा ही होगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में 90s के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।